अस्सलाम वालेकुम। ये जो भी आपने AI वीडियोस देखी है, ऐसे ही वीडियोस बहुत से लोग बना के वायरल हो गए हैं। तो इस तरह की AI वीडियोस आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बनाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ सिंपली हम टाइप कर देंगे चैट GPT, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड नंबर पे ये वेबसाइट आ रही है ChatGPT, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम आप कुछ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं जो कि हमें ChatGPT फिर उसके अगेंस्ट प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करके देगा। तो हम लिख देते हैं, अब हमने लिखा है, मुझे इंग्लिश में डिटेल 10 प्रॉम्प्ट्स लिख कर दो जिसमें छोटे छोटे एनिमल्स इंसान की हथेली पर बैठे हो, और हम यहाँ एरो की पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये ChatGPT हमें उससे सिमिलर 10 प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास ये है अटेनी स्क्वायरल, ठीक है। तो हम इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे, गूगल पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे प्री पिक AI इमेज जनरेटर, ठीक है। और फर्स्ट पे जो आपके पास वेबसाइट आ रही है, इस पर हम क्लिक करके इसे ओपन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास अकाउंट इसमें लॉगिन नहीं है तो ये राइट साइड पे मेरे पास अकाउंट इसमें लॉगिन है, आप मेरे पास ये लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है, और इसी तरीके से आप अपना अकाउंट इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आपके पास ये डिस्क्राइब आ रहा है व्हाट यू वांट, तो डिस्क्राइब पे हम अपना जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट करेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो अब हमें हमारे पास एक नया पेज खुलेगा और इसमें कुछ सेटिंग्स हमें करनी है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पे है इसका मोड हमें चेंज करके थर्ड ऑप्शन पे है हमारे पास फ्लक्स फास्ट को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद है साइज़ हमारे पास हमें स्टोरी चाहिए तो हम यहाँ से स्टोरी का साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वाइड स्क्रीन में चाहिए तो वाइड स्क्रीन भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल हम इसे स्टोरी पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और इमेजेस यहाँ हमारे पास 4 है, हम इसे रन करेंगे और जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके की कुछ अच्छी सी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ कुछ इमेजेस प्रोवाइड किए हैं AI ने। तो हम इसमें से कुछ इमेजेस चेक कर लेते हैं, ये वाली काफ़ी हद तक बेहतर है, अदरवाइज़ आप चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपसे पूछ रहे डाउनलोड, तो हमें डाउनलोड करनी है, हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब इसका प्रीव्यू ये इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमें दोबारा आना है गूगल पे, और यहाँ हम इस बार टाइप करेंगे पिक्स वर्स AI, ठीक है। और इसके बाद ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है पिक्स वर्स AI, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, इसमें भी अगर आपके पास अकाउंट लॉगिन नहीं है तो अब यहाँ है ट्राई पिक्स वर्स, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट की जो डिटेल्स होगी वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी इसमें अकाउंट लॉगिन किया हुआ है मैंने। हम इमेज पर क्लिक करेंगे और हमारे पास जो अभी लेटेस्ट इमेज आई है उस इमेज को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप अगर चाहें तो वही प्रॉम्प्ट यहाँ कॉपी भी कर सकते हैं। इमेज हमारे पास यहाँ अपलोड हो गई है और हमारे पास जो प्रॉम्प्ट था उस प्रॉम्प्ट को भी हम यहाँ कॉपी करेंगे और जनरेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ही प्यारी सी एक वीडियो बन चुकी है, ठीक है। अब इस वीडियो को हमें थोड़ा सा हाई रेज करना है, तो हम अप स्केल पे क्लिक करेंगे तो ये HD में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। वो आपसे कह रहे हैं कि कैन क्रिएट जो है एक्स्ट्रा होंगे, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो वो अप स्केल आपको करके दे देगा। तो ये हमारे पास हाई रेज जो वीडियो थी वो भी बन चुकी है। अब हमें इसे डाउनलोड करना है तो सिंपली हम डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देंगे तो वीडियो हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। वीडियो को हमने प्ले किया है तो वीडियो का ये रिजल्ट है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो वीडियो हमने इमेज जो बनाई थी वो थी पोर्ट्रेट में, और वीडियो जो हमारी बनी है वो है हॉरिजॉन्टल में। तो हमें क्या करना है, हमें अब कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास इस वक्त अवेलेबल हो, आप चाहें कैनवा पे भी कर सकते हैं, कैपकट पे भी कर सकते हैं, प्रीमियर प्रो या जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है आप उस पर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ कैपकट का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। मेरे पास यहाँ कैपकट का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, मैं यहाँ इम्पोर्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारी वीडियो होगी उस वीडियो को हम सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। तो वीडियो हमारे पास अब आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल में है, तो हमें इसे ड्रैग करके टाइमलाइन पे ले आना है, और इसके बाद हमें यहाँ से जो रेशो है उस रेशो को चेंज करना है। तो हम रेशो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दोबारा स्टोरी सेलेक्ट करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही छोटी हो रही है, अब सिंपली हमें इसे सेलेक्ट करके और इसका साइज़ बढ़ाना है। तो इसमें से जो वाटर मार्क है वो भी रिमूव हो जाएगा और आपकी जो वीडियो है वो भी स्टोरी पर बन जाएगी। सिंपली हमें एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपने कोई टाइटल देना है इसका, तो आप टाइटल दे सकते हैं। तो हम इसकी
लोकेशन सेलेक्ट कर ली है और ओके कर देंगे और सिंपली यहाँ एक्सपोर्ट कर देंगे। अब हम अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो ये है हमारी वीडियो जो कि बहुत ही खूबसूरत सी बन चुकी है। अब आप अपनी इस वीडियो को जहां चाहें शेयर कर सकते हैं। इस पे किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि ये वीडियो आपने खुद AI से जनरेट की है। ये था बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।